finally I am ready. मेरी प्रिंसेस ये रही, so beautiful. सबा की तो शादी हुई भी है, देख सकते हैं ये है ब्राइड टू बी. सबने देवी को बहुत मिस किया, खासकर मैंने. कभी का क्या हो जाएगी क्लैपिंग? वो देखो कोई गा नहीं. Hi everyone, Assalamu alaikum. This is me, Abhika Kashyap. Welcome back to my YouTube channel. मॉर्निंग, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ चुकी हूँ और मैंने कहा कि फौरन उठने के साथ मुझे बनाना है ब्लॉग का पार्ट. फिर ऐसा होता है कि मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, फिर तैयार होने के बाद बनता है. तैयार होने से पहले वो सारी चीजें जब हो रही होती है वो आप लोग नहीं देख पाते हो, तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी आई थी कि आप भी प्लीज सुबह जा रही हो तो सुबह उठ के ब्लॉग बना लीजिएगा. आप आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने प्लान किया है शाफ्सा के लिए एंड आई होप कि उन लोगों को पसंद आएगा. सो इसी के लिए ही हमें रेडी होना है और टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना है. मैंने टाइमिंग्स उन सबको दी है 5 बजे की, लेकिन मुझे वहाँ पे 5:30-5:30 तक हर हाल में पहुँचना है ताकि मैं सारी डेकोरेशन सारी चीज़ें देख सकूँ कि ऑल ओके है, फिर हम उनको बुलाएंगे. तो जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना आउटफिट. तो दिस इज़ माई ब्यूटिफुल आउटफिट, स्काई ब्लू कलर का. इसकी स्लीव्स बहुत प्रिटी हैं, आप लोग देख सकते हैं. आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाली फ्रॉक तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है. भाई मेरी तो है ही प्रिटी, मेरे साथ साथ जो मैंने हफ्सा की फ्रॉक बनवाई है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और जो सबा पहन रही है वो भी बहुत प्यारी है. मतलब सारे लोग होंगे वहाँ पे हमारी टीम के, सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है. तो भाई मैंने लेंस लगा लिए हैं, वो भी ब्लू कलर के. मैंने कहा कि मेरा ड्रेस इस कलर का है तो मैं ब्लू लेंसेस लगा लेती हूँ, बट ये भी ऑप्शनल है. लेट्स सी ड्रेस पहनने के बाद अगर अच्छे लगे तो मैं ये वेयर करूंगी, वरना मैं निकाल के दूसरे पहन लूंगी. जल्दी से करते हैं मेकअप, देन मेरी होगी हेयर स्टाइलिंग, बट फर्स्टली हमारा काम है मेकअप करना. 2000 years later. सो गाइज माई मेकअप इज डन और मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है. लिपस्टिक मैंने अभी नहीं लगाई है, मैंने लंच नहीं किया था तो अभी मैं लंच कर रही हूँ. बाल भी साथ साथ हो रहे हैं तो फिर मैं ड्रेस पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनली. सो फाइनली आई एम रेडी, मेरा हेयर स्टाइल भी बन चुका है, बहुत ही ज्यादा प्यारा. अच्छा लेंस का मैंने आप लोगों को बताया था कि मे बी मैं उतार दूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लाइक आउटफिट के साथ प्रॉपर जा रहे हैं, मैं यही लगाई रखूंगी. मेकअप लाइट है तो वो इतना ज्यादा पता नहीं लग रहा. आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ. लेट मी शो यू माई फुल लुक. सो दिस इज द ड्रेस, ये मैंने पीछे बहुत ही क्यूट सी बो लगाई हुई है. मेकअप भी हो गया है, गले में मैंने कुछ इस तरह का लाइट सा पहन लिया है. आई होप हमारी हफ्सा मोहतरमा ने एक क्राउन पहना हो, क्योंकि मैंने उनको क्राउन गिफ्ट किया था. बस अल्लाह करे कि वो पहन के आए. सो जल्दी से निकलते हैं लोकेशन की तरह, वहाँ पे जाके देखते हैं सेटअप वगैरह सब कुछ हो गया है, क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे पहले ही पहुँचना होगा. मुझे सब कुछ देखना होगा कि सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो वो फिर मैं एड ऑन करवा लूँगी. तो अभी ये सीन है, अभी मैं जा रही हूँ लोकेशन पे. सो लेट्स गो. हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं और ऊपर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है. बहुत 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 ज्यादा लेट हो गया. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन. बाय. खा के चलना एक टास्क है. और हमारी ब्राइड टू बी भी उस टास्क को निभा रही है. चले तो ये पूरा सेटअप हुआ हुआ है और अच्छी खासी अभी है रोशनी, मतलब हम एडजस्ट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. इतना लेट आ रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? तो ये हफ्सा के लिए हमने सरप्राइज रखा है. शहीर अब तक आया नहीं है, उसका अता पता नहीं है. शहीर, लाली और हुसैन अभी रास्ते में हैं, देखते हैं वो लोग कब तक पहुँचते हैं. जल्दी जल्दी हफ्सा की पिक्चर बनवा रहे थे, वो खा रही था. हफ्सा के लिए मैंने ये फूल बनवाए थे, इसको पकड़ो मेरे ब्लॉग को. और सबा की तो शादी हुई भी है तो रवि का क्या हो जाएगी क्लैपिंग? तो ये है हफ्सा के लिए राइट. बनवाया था बेसिकली, लेकिन मैं चाह रही हूँ हम ना पहने क्योंकि ज्यादा ओवर रहेगा. क्या कह रही हो? नहीं, इसमें बिल्कुल व्हाइट कलर बनवाती.
ये बस मैं क्या ही बताऊँ, बन गया ना, यही काफी है। व्हाइट कलर बनानी, ज्यादा लुक्स नहीं निकालो। यहाँ पे हो रही है हमारी क्यूट सी ब्राइड के साथ पिक्चर्स, एंड थैंक गॉड कि सभी बोरक के लिए आई थी, हमारा सेम सेम हो गया था, तो अच्छे से हमारी पिक्चर्स आई हैं, तो इंशाल्लाह पिक्चर्स वगैरह सब आपको कल देखने को मिलेगी। फाइनली ग्रूम साहब जो है वो आ चुके हमारे दुल्हा मियाँ, इतनी देर बाद। अमीर दुल्हन अभी उदास है, आपको मनाएंगे आपके शोहर आके, आ रही है समझ? इतना लेट आपने कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, किधर थे आप? ये देखनी है हमारी प्रिंसेस को, कितनी हसीन लग रही, कब से वो आपका वेट कर रही थी, एंड दिस इज सो रॉन्ग। मैं उसको लेके आई हूँ जबरदस्ती। Say sorry to her. She was waiting. चलो जल्दी पहनो और पिक्चर्स बनवाओ। चलो अब सही पहनना है। आपसा का शूट बहुत ही क्यूट क्यूट था, मैंने बहुत प्यारे प्यारे पोजेस निकाल के दिए, ये दोनों अभी पोजेस करेंगे, फिर उसके बाद सभा का शूट होगा, फिर मेरा शूट होगा। तो मेरी सोलो पिक्चर्स हो गई हैं, सारी लड़कियों की सोलो पिक्चर्स हो गई हैं, साथ में हमारी कपल की भी पिक्चर्स हो गई हैं। अब बस हम सब ने एक ग्रुप पिक्चर्स ले ली हैं अलग अलग तरीके से, तो वो हम लेंगे, फिर उसके बाद केक कटिंग करेंगे, देन खाना खाएंगे, देन वाइंड अप हो जाएगा इवेंट। थैंक गॉड की डेकोरेशन वगैरह सब अच्छे से हो गई। मेनमा रेस्टोरेंट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, कोई एक्स्ट्रा मतलब लोग नहीं बैठे हुए, उन्होंने हमें एक अलग से स्पेस दिया है जहाँ पे मुझे डेकोरेशन करने की इजाज़त मिली है, सारी चीज़ें करने की इजाज़त मिली है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे एम्बियंस है यहाँ के, और रात भी हो गई है तो लग नहीं रहा है कि मतलब समटाइम्स ऐसा होता है अंधेरा हो जाता है तो हमारी पिक्चर्स नहीं आ पाती हैं, बट यहाँ पे लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि तो पिक्चर्स बहुत प्यारी आ रही है। मैंने सोचा था कि दिन दिन में हो जाएगा, लेकिन रात में और अच्छा लग रहा है, जो होता है अच्छे के ही होता है, तो थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इनके 3 फ्लोर हैं, एक तो डाउन फ्लोर, एक सेकेंड फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर है। मैंने फुल टॉप पे जाके इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सारी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे करवाया, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, सो आई एम ग्लैड कि सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। पहले मैंने सोचा था कि खाना हम लोग बाद में खाएंगे, केक कटिंग पहले करेंगे, लेकिन सबको बहुत भूख लगी थी और मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे ब्राइड और ग्रूम हैं उनको मैं भूखा रखूं और पिक्चर्स वगैरह ज़बरदस्ती करवाऊं पहले, लेकिन खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। मेरे बालों का हाल कुछ इस तरह हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ड्रेस में बहुत मोटू लग रही हूँ, हालाँकि नो मैं इतनी मोटू नहीं हूँ, बट इट्स ओके। तो ये फ्लावर्स हैं मेरी क्यूटू बेबी डॉल के लिए, थैंक यू सो सो, एंड थैंक गॉड कि आपने क्राउन पहन लिया, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठी हूँ ना मैंने कहा हफ्सा प्लीज क्राउन पहन ले, पहन ले, पहन ले, पहन ले, पहन ले, और फाइनली पहन लिया, और देखो कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना, नो थैंक यू। अच्छा तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम है ना। खाना आ चुका है, अब खाना यहाँ पे लगेगा, सब बैठ के यहाँ पे खाना खाएं आराम से। आज सारा मेन्यू मैंने खुद ऑर्डर किया है, हफ्सा आपके लिए मैंने पास्ता ऑर्डर किया है, हाँ ये वाला पास्ता आपने ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत अच्छा होता है यहाँ का मैक एंड चीज़ पास्ता। ये रोश है, पता नहीं ये लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन लड़के मोस्टली लाइक करते हैं। ये सारा खाना आ चुका है, इसमें है पेशावरी मटन कढ़ाई, टड़ा इनका ब्लू वाला था, रख दें आप सामने। आ चुके हैं और कब से हम इन केक्स का वेट कर रहे थे, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो जल्दी से हम इसको खोलते हैं। इन्होंने केक बनाए जस्ट मेकिंग का सामान है, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने इनको बताया था कल ही, और आज उन्होंने दोनों बना के भेज दिए, तो थैंक यू सो मच। बनाता
रिएक्शन है ना, अभी आंखें बंद कर दो। शहीर आओ केक, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। शहीर और अफसर ऐसे लड़ रहे थे केक मैंने के जब तो काट यहाँ पे हो रही हैं जी सब फ्रेंड्स की पिक्चर्स। हमने ग्रुप फोटो ली और कुछ फंकी वाले यू नो पोजेस भी किए। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला कितना क्यूट लग रहा है कि हम लोग हफ्सा को पुल कर रहे हैं और सारी लड़कियों शहीर को पुल कर रहे हैं। तो ये बहुत मज़े का पोज था, मैंने ये पहले से सोच के रखा हुआ था कि ये वाला तो ज़रूर करना ही करना है। इसमें बहुत मेहनत लगी, मतलब ये पूरा पोज जो है वो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था। तो खैर जब पिक्चर्स आएंगी तो आप लोग इंस्टा पर देखना और बताना कि कैसा लगा। सो मच, थैंक यू। नहीं हो, आज हमने अपना ड्रेस आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, हमारा ड्रेस सेम था और कलर बस डिफरेंट डिफरेंट था, तो अच्छे से हो गया। थैंक गॉड बता के ट्विनिंग किए। हाँ, ये हमारे मीठे में लावा केक और कुनाफा आ गया। यहाँ का कुनाफा मुझे बहुत पसंद है तो मैंने आज ऑर्डर करना है। कुनाफा तो मस्त है, बाकी लावा केक आप ले आओ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, तो जल्दी से आप खाइए क्योंकि आइसक्रीम इसमें डली हुई थी कहीं वो पिघल ना जाए। ये पूरा सेटअप बहुत प्यारा हुआ है। ऐसा लग रहा है ऊंट ज़िबा किया, उसका खून आ रहा है भाई। चलो चलो चलो, गर्म भी हो सकता है वो। देखो नहीं नाइस यार, चलो जाऊँ वहाँ पे। रवि ले गई सबके हाथ खुल गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ अच्छे से हो गया, पूरा इवेंट अच्छे से हो गया, पता भी नहीं चला। और लेकिन हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। हफ्सा आप बताएं कैसा रहा सब कुछ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आई लव यू, आई लव यू द मोस्ट, बस काफ़ी है। और अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अभी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। एग्जैक्ट, सो हम लोग निकल चुके हैं गाइस, पीछे कर लो थोड़ी सी। सो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल। ये तरह शाफ्सा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, आप लोग बहुत सारा प्यार बरसाना, मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लगा। उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, अब आप लोग की बारी है, आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों को कैसा लगा। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप रिमेम्बरिंग इन योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि और धमाकेदार होगा, मे बी शाफ्सा के इवेंट्स में से ही एक हो। सो बी रेडी, स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। Thank you.